थोड़ा गौर करका आना, दो चार बात आपके बीच में सुनाते हैं। ऐसा सुनने में आया, ऐसा बताते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर राजा हिमाचल राज किया करते थे? यह भी बताते हैं कि राजा हिमाचल को 100 पुत्र थे, 100, लेकिन कन्या कोई नहीं थी। अब सदरा नुका अकरा गृहस्थी की देर कवारी रह जाए तो उस गृहस्थी का गृहस्थाश्रम पड़िया नहीं माना जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं कि मालिक मेरे को एक कन्या तो दो। परमात्मा राजी हुआ, राजा हिमाचल के यहां एक कन्या ने जन्म लिया, बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई। जब वो लड़की पैदा हुई तो ये बताते हैं कि नारद मुनि मर्त्यलोक के दौरे पे आए हुए थे, वो राजा हिमाचल से मिलते हैं। उसको देख के राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए कि मुनिवर आप बहुत अच्छे मौके पे आए हो, मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप ज्योतिष के सबसे अच्छे जानकार हैं, ग्रहों की चाल देखिए और ये बताइए कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, मेरी बेटी का आने वाला जीवन कैसा होगा। नारद मुनि अपनी ज्योतिष विद्या से ग्रहों की चाल को देखते हुए बताते हैं कि महाराज यह जो लड़की आपके घर में पैदा हुई है यह कोई आम कन्या नहीं है। के बाद क्या आदि अनादि शक्ति पैदा हुई है जिसके नीचे सारी सृष्टि रहती है। हे भगवान, ऐसी संतान किसी भाग्य वाले को मिलती है। राजा हिमाचल की आंख पाट के छोरी मांगी थी, के बाल पैदा हो गया भाई। सुनिए कैसी होगी आपकी लड़की, कैसा होगा इसका जीवन। वो नारद मुनि भविष्यवाणी करते हैं उस माँ पार्वती के बारे में, उस गिरजा के बारे में, क्या क्या कहते हैं वो नारद मुनि। माया अपरम पार,
सास ससुर का है सुख देखना देवर जे नहीं परिवार मर्ग सीरा नक्षत्र इसका मन कर लिया खूब विचार और पुत्र का सुख थोड़ा बाद में पर पति रहेगा हिमाचल का ज्यादा चढ़ता हो के सामने आयो और सुन ले एक पत्या पछे तेरी छोरी कदे तेरी तेल नहीं चढ़ेगी अरे बार तुम्हार पर छोरी न बनाऊ तो केक रुबले खम्मा कर दिया यार छोरी अटक तेरे घर नहीं आओगी या तो एक मकान उठेगी क्या बताया
समुद्र झुके ऐसा लग भया गिरजा का ये असुर राक्षस लोके रहे ऐसा लग भया गिरजा का ये काम क्रोध मन रुके रहे वही ऐसा लग भया गिरजा का ये ब्रह्मा विष्णु दुखे रहे ऐसा लग भया गिरजा का लगन लगा